खबर लेकर आ रहे हैं हम वाराणसी से, जहां बीडी ग्रुप के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खजुरी स्थित बीडी ग्रुप के कार्यालय पहुंचे नंद गोपाल नंदी। नागरिक उड़ान और राजनीति, पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण तथा मुस्लिम वक्फ हज विभाग के मंत्री ने जिले के विभिन्न स्थानों पर आए हुए उद्यमियों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और जीएसटी रिटर्न सहित अन्य प्रकार की संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करने की बात कही। इस मौके पर नंद गोपाल नंदी से मंत्री से पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मैं व्यापारियों में काफी उत्साह देख रहा हूं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा देश और प्रदेश में व्यापारियों के हित के लिए बहुत ही कार्य किए गए हैं। श्री नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि इस तरह का कानून जिससे व्यापारी परेशान हो रहे हैं, उसका उत्पीड़न हो रहा हो, उसे खत्म कर देना चाहिए। इसी के मद्देनजर उन्होंने धीरे धीरे इस प्रकार के कानूनों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरा नाम कौस्तुभ अग्रवाल है, डायरेक्टर बीडी ग्रुप। हम लोग पार्ले बिस्किट और अलग अलग एफएमसीजी कंपनी के लिए फूड प्रोसेसिंग बनारस में करते हैं। आज क्या मुद्दा है? आज नंद कुमार नंदी जी आ रहे हैं, क्या आज का प्रोग्राम है? नंदी जी का आने का विशेष यह है कि उद्यमी और व्यापारी मंडल से एक बार बैठक करना और उनके विचार विमर्श लेने के लिए वो आज हमारे यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इससे क्या आने वाले समय में क्या लाभ होगा और क्या आपकी क्या प्रोग्राम बनाए हैं? आपकी उनके आने पर किन मुद्दों पर बात करेंगे? उनके आने पर हम लोग विशेष तरीके से जीएसटी रिफंड, जो उद्यमियों का ब्लॉक रहता है काफ़ी महीनों तक, जिसकी वजह से नया निवेश करने में उनको तकलीफ होती है, उसके विषय में बात होगी। और अनेक उद्यमी अलग अलग अपने क्षेत्र से आए हैं अपनी तकलीफों और वह समस्याओं को रख के सुझाव का। आज कितने अपने वाराणसी क्षेत्र के कितने उद्यमी यहाँ पे उपस्थित होंगे? बनारस क्षेत्र से यहाँ पे 25 उद्यमी उपस्थित हैं, अलग अलग क्षेत्र से, होटल से, फैक्ट्री से, अलग अलग इंडस्ट्री से यहाँ उपस्थित हैं। मंत्री जी आज क्या प्रोग्राम है? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश सम्मेलन आयोजित हो रहे और मैं व्यापारियों का उत्साह देख रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस देश और प्रदेश में जितने कार्य किए हैं उसको सराहा जा रहा है। तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इतने कानून के जंजाल है और कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि व्यापारियों को फंसाए कैसे। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया कि रोज़ एक कानून ख़त्म करेंगे, रोज़ दो कानून ख़त्म करेंगे ताकि व्यापारी ना फंसाए जाए ना उनका उत्पीड़न, और बहुत सारे कानून उन्होंने ख़त्म किए हैं। और इस प्रदेश में जो माफिया राज और गुंडा राज था, माफियाओं को नेस्ता नाबूद करने की जो एक मुहिम चली आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आज अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके या तो भाग गया है और या जेल की सलाखों में है। अगर किसी ने दुस्साहस किया है तो उसको दुनिया भी छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ा जो व्यापारियों को मन में रहती है कि वो अपना कमाते हैं, अपनी रक्षा सुरक्षा, अपना पैसा कमाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उनके साथ जुड़े हुए सैकड़ों लोग, लाखों लोग उनके यहाँ जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी उनसे चलती है। तो वो किसी पर अन्याय अत्याचार नहीं करते, वो तो केवल और केवल चाहते हैं उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार ना हो और सरकार में ऐसा वातावरण हो कि उनकी रक्षा सुरक्षा हो और कोई गुंडा, कोई बनमास, कोई भ्रष्ट अधिकारी उनको परेशान न करे। तो योगी जी की सरकार में
भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर और एसआई ही नहीं आईपीएस जो जिले का कप्तान हुआ करता था उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसको भी भागना पड़ा है और भागा है तो उसके घर में कुड़की हुई। ये योगी जी के राज में हो रहा है और अपराधियों पर किस तरह से नकेल कसी जा रही है, योगी जी के सुशासन का बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है, निश्चित रूप से माफियाओं की समाप्ति तय। आप प्रदेश में उड़यन मंत्री के साथ राजनीतिक पेंशन और अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा से भी आप हैं। अभी विपक्ष की ओर से अपने रैली में बोला गया कि जितने भी हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो पिछली सरकार की देन है। उसके साथ साथ ही अखिलेश यादव ने माननीय अखिलेश यादव ने भी एक आरोप लगाया है कि जितने भी एक कई आपने बताया कि हवाई अड्डे बनाए गए हैं आने वाले समय में मोदी जी बेच देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? अखिलेश की बात को आप लोग इतना सीरियस लेते क्यों? अखिलेश का बचपना जग जाएगा। एक रिक्शे वाला या एक बहुत गरीब आदमी, वो भी स्वाभिमान से रहता है, अगर किसी घर में किराए पर रहता है और टोटी ला के लगाता है, चाहे उसके पास पैसे ना हो, प्लास्टिक की टोटी भी लगाए, तो वो भी जाते वक्त उसको निकालने का प्रयास नहीं करता कि निकालते वक्त टूट जाएगी, कहाँ लगाएंगे। लेकिन जिसकी ऐसी सोच हो सरकारी घर में लगी हुई टोटी निकाल करके ले जाने लगे, वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। उन्होंने ना संघर्ष किया ना उन्होंने संघर्ष देखा। उन्होंने संघर्ष नहीं देखा, वो पिताजी की जमाई हुई गद्दी पर, उनको एक गद्दी पर बैठा दिया गया तो उन्होंने अपने पिताजी को ही लात मार करके भगा करके अपने आप को स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने चाचा को उन्होंने भगा दिया। तो जो आदमी ये कहता हो अपने देश के डॉक्टरों पर भरोसा ना करके, अविश्वास करके कि ये भाजपा की वैक्सीन है हम नहीं लगाएंगे, वैज्ञानिकों की अवहेलना करता हो, मुलायम सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने बेटे के द्वारा फैलाए गए भ्रम को उन्होंने समाप्त करते हुए वैक्सीन की डोज ली और फिर वो थूक के चाटने वाली कहावत सच हुई और उनको बैकफुट पर आकर के बयान देना पड़ा वैक्सीन के। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, रोटी से लेकर के वैक्सीन से लेकर के अभी आप देख रहे हैं जिन्ना, जिन्ना को आदर्श बताने वाले लोग, मुस्लिम वोट कैसे इनको मिल जाए, मुस्लिम वोट कैसे पोलराइज हो जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कल ओसामा बिन लादेन को भी इस प्रदेश का देवता बता दें।